हम एकमात्र दल हैं जो स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुए, विचार, प्रेरणा, वाणी, वेश, तत्व, दर्शन सब कुछ हमने इस स्वदेश से लिया और बढ़ते बढ़ते आज हम उस मुकाम तक पहुँचे कि भारत के सबसे बड़े और प्रमुख राजनीतिक दल बने। बहुत प्रश्न किया जाता है कि साहब आपका मात्र संगठन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हाँ, हम कहते हैं मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हमारे अधिकांश नेता संघ से आए, अधिकांश नेता संघ के पदाधिकारी रहे, हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे, परंतु जो सवाल हमसे पूछते हैं, और संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार थे, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं जो हमसे पूछते हैं कि आपका मात्र संगठन कौन, तो मैं पूछना चाहता हूं आपका मात्र संगठन कौन? कांग्रेस का संस्थापक कौन? एलेन ऑक्टोवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। तो आपका तो मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार हो गई। और बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा कि कांग्रेस के पहले 4-5 अध्यक्षों के नाम बनाए तो एलेन ऑक्टोवियम ह्यूम अध्यक्ष नहीं थे, वो संस्थापक थे, परंतु अल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबन, ये सब जानते कौन है? ये कांग्रेस के प्रारंभिक अध्यक्षों के नाम है। और इतना ही नहीं, 1910 का वह वर्ष जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों के काला पानी की सजा, 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, उस 1910 के वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडरबन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। अब बताइए आप, ब्रिटिश हुक्मरान के हुक्म के नीचे पैरों के तले बैठकर स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। इसलिए भाई, अपने मात्र संगठन, तुम्हारा मातृत्व, भ्रातृत्व कहाँ था, यह देख लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इसलिए जब हम यह बात कहते हैं कि इस देश में एक बड़ा परिवर्तन आया, तो आप देखिए जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव आया 2022, तो एक और परिवर्तन है। इस समय भारत के सभी प्रमुख पदों पर विद्यमान लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और चाहे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। तो यह भी एक कालचक्र के एक बड़े परिवर्तन को दर्शाता है कि अब भारत एक लंबी छलांग मारने के लिए आगे तैयार है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम ये अगले 25 वर्ष में प्राप्त कैसे करेंगे। तो देखिए, इन 25 वर्षों में जो हमें आगे बढ़ना था, जैसा अभी पुष्यमित्र जी चर्चा कर रहे थे कि सुदर्शन जी ने कहा था कि भारत एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है, और उन्होंने कहा था वो 175 वर्ष का है, और वो ये कहा था श्री अरविंदो ने, और श्री अरविंद का भी 15 अगस्त 2022 150 वर्ष पूरे हुए थे। श्री अरविंदो ने कहा था भारत एक महान परिवर्तन से गुजर रहा है जो 175 वर्ष का है, जिसका प्रारंभ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से हुआ। उनका जन्म 1836 में हुआ था, 175 साल 2011 में पूरे होते हैं। उन्होंने कहा था उसके बाद भारत का स्वर्णिम भविष्य दिखने लगेगा। अब कोई संदेह है कि 2011 के बाद क्या दिखना शुरू हुआ था? तो जो 21वीं सदी भारत की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में किस विचार की होगी, यह संकेत भी 2011 के बाद यानी 2012 ऑनवर्ड्स मिलना शुरू हो गया था। तो जो महापुरुषों के वचन हैं वो व्यर्थ नहीं जाते हैं, हमें यह समझना चाहिए। इसीलिए देखिए, जब हम सत्ता में आए 2014 में, तो स्वतंत्रता की सार्थकता कहाँ से होनी थी? आज हम स्वतंत्र हैं, राज्य हमारा है, हमारे तंत्र में स्वतत्व कितना है? यह वही स्वतत्व है जिसके लिए लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य कहा था। महात्मा गांधी ने 1909 में पुस्तक लिखी हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता। यह स्वराज है क्या? तो उन्होंने यह कहा, स्वराज की पहली शर्त क्या, जब तक स्वतंत्रता की सार्थकता का आभास हर गरीब व्यक्ति के हाथ में न पहुंचे, तो कहते हैं ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहला वक्तव्य दिया, तो क्या कहा? जन धन योजना। ये कैसे संभव था कि भारत महान भारत बनेगा, आधे से ज़्यादा लोग, 60% लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, वो अर्थव्यवस्था के हिस्से ही नहीं होंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? स्वच्छ भारत अभियान। फिर उन्होंने क्या कहा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तमाम राजनीतिक पंडितों ने कहा ये स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब जानते हैं क्या था? मतलब ये था, जो परिवर्तन हुआ था 2014 में, वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ था, वो विचार और मानसिकता को बदलने के लिए हुआ था। इसीलिए आपने देखा कि 2014 के बाद जब उन्होंने स्वच्छता की बात कही, पहली बात, ये तीनों विषय किससे संबंधित थे? ये किसी बड़े उद्योगपति या संपन्न वर्ग के लिए थे ना, तीनों गरीब के लिए थे। जनधन योजना यानी अकाउंट गरीब के लिए था, स्वच्छता का सबसे अधिक कुप्रभाव पड़ता था तो गरीब पे पड़ता था, और बेटी बचाओ का जो भी समस्या थी वो निर्धन वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग तक थी। तो आप देखिए परिवर्तन इतना आया कि 2014 से पहले जितनी आसानी से किसी के हाथ में कोई रैपर हो, कोई गुटके का टुकड़ा हो, कुछ हो, बड़ी आसानी से लोग सड़क पे फेंक दिया करते थे। अब 8 साल में हमने देखा कि हमारे विचार में, सोच में बदलाव आया। अब कोई ऐसे नहीं फेंकता, हम देखते हैं कि कहाँ पर जाके कूड़ादान है वहाँ डालते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा गया तो कितना बड़ा परिवर्तन आया कि जो लिंग अनुपात था नवजात शिशुओं का, उसमें 29 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। और वह राज्य जो हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य जहां सबसे खराब स्थिति थी, वहां स्थिति अब बहुत बेहतर हो गई। ये एक सोच में परिवर्तन आया। 46 करोड़ लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े, जो विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन था। अगली जरूरत क्या होती है गरीब की? बीमारी। घबराता है कि अगर कभी बीमारी आ गई तो हजारों रुपए का खर्चा कहां से आएगा, तो आयुष्मान भारत योजना आई। अगली जरूरत क्या होती है? शिक्षा, तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान आया। फिर सोच में बदलाव आया। पहले की सरकारें सोचती थी इस वर्ग को देना है, उस वर्ग को देना है। हमने कहा जी सबको देना है। इसलिए हर गांव में बिजली, हर घर में नल का प्रक्रम चल रहा है, हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, धारणा यदि प्रचलित यह भी हो कि कोई हमें वोट दे रहा है या नहीं दे रहा, इसके बावजूद हमने दिया। जिन वर्गों के बारे में धारणा थी कि वो हमें वोट नहीं देते, उनके भी 70% लोगों को सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला। ये हमारी ईमानदारी, राष्ट्र के विकास के प्रति हमारी निष्ठा का प्रमाण था। अब जब आप प्राथमिक सुविधाएं दे लेते हैं तब आगे बढ़ना चाहिए। आज के युग में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो अगली रिक्वायरमेंट क्या है? सड़क, बिजली। देखिए 3 प्रकार के काम होते हैं जो हमारी सरकार ने किए। एक काम वो जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हमने भी किए। बिजली है, सड़क है, पानी है, हमने भी बनाया, पिछली सरकारें भी बना रही थी। हमने उनसे ज़्यादा अच्छा बनाया, उनसे ज़्यादा गति से बनाया, उनसे ज़्यादा परिमाण में बनाया, बगैर किसी आरोप और घोटाले के बनाया, पूर्ण पारदर्शिता से बनाया। दूसरी कैटेगरी के वो काम होते हैं जो पिछली सरकारों ने सोचा मगर करने की हिम्मत नहीं कर पाई, जैसे जीएसटी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक। तीसरी कैटेगरी में वो काम आते हैं जो पिछली सरकारों के कल्पना में ही नहीं आए होंगे, हमने वह भी करके दिखाया। तो प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में सोचा? जब हम लोगों की विचारधारा के हाथ में पूर्ण सत्ता आती है तो देखिए सोचते कैसे हैं। दीनदयाल जी का अंत्योदय साकार किया, सबको देके। चाहे अगर आप याद करिए उज्ज्वला योजना में उन सारी महिलाओं को जिनके के लिए धुएं के से निकलने वाले आंसू नियति बन गए थे, उनको उनसे मुक्ति दिलाई। और यह भी महत्वपूर्ण बात देखिए, 2014 में एक और परिवर्तन आया। इससे पहले लोग सरकारों से अपेक्षा करते थे हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ शायद लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा जो सक्षम है, समृद्ध है, संपन्न है, अगर हो सके तो सब्सिडी छोड़ दें, और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया। यह तब होता है जब नेतृत्व की नीयत पर विश्वास होता है। तो देखिए पहला चरण यह था कि किस ढंग से पहले सबसे गरीब वर्ग को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाएं। उसके बाद अगला चरण, देश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाए। इसलिए इस कैटेगरी में वो काम आए जैसे मैंने बोला जीएसटी। पिछली सरकार ने भी तो कोशिश की थी, नहीं हो पाए। पूरे देश को एक टैक्स लॉ के अंतर्गत लाना ताकि बिजनेस को ग्रो करने का एक बड़ा अवसर मिल सके। उसके बाद ये सारी चीजें बेमानी हैं यदि आप सुरक्षा देश की मजबूत ना कर सकें। अब हमने आपको बताया जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, बहुत से पिछली सरकारों ने क्लेम किया जी हमने भी कहा था, हमने भी भाई किया था तो क्यों नहीं हो पाया। और यह बात मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा, 2010 में भारत आए थे, उस यात्रा का वृत्तांत देते हुए उन्होंने लिखा कि 26/11 के हमले के बाद उस समय की सरकार ने, जबकि सेना तैयार थी पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक करने के लिए, उस समय की सरकार ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि उस सरकार को लगता था कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ न मिल जाए। ये आपकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाए। ये मानते हैं कि, पर यहां एक विचित्र कॉन्फ्लिक्ट था। पूरी दुनिया में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपने नहीं देखा होगा कि पड़ोसी के मुकाबले हम बड़े भी थे, हम ताकतवर भी थे, पर हम पिछले 65-66 सालों से, अटल जी के दौर के 6 साल छोड़ दें तो हम दुनिया में कहते थे कि वो हमें सता रहा है। 1948 का 47 का युद्ध दुनिया का विचित्र युद्ध था। हमेशा युद्ध विराम की मांग वो सेना करती है जो हार रही हो, संयुक्त राष्ट्र में वो देश जाता है जो छोटा हो, कमजोर हो, हार रहा हो। यहां हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, बस 48 से 72 घंटे की बात थी, पीओके हमारा होना चाहिए, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। ऐसे विचित्रता के उदाहरण हमने प्रस्तुत किए और भारत की छवि बनी कि एक सॉफ्ट स्टेट है, कोई भी आके हमें दबा सकता है, कोई भी आएगा और हमारे साथ किसी भी प्रकार की शरारत करके चला जाएगा और हम सिर्फ शांति के कबूतर उड़ाते रहेंगे। परंतु वो भूल गए कि हम जिस परंपरा के में विश्वास करते हैं, भारतीय परंपरा ये कहती है कि हम नाग पंचमी भी मनाते हैं, सांपों को दूध भी पिलाते हैं, तो नाग यज्ञ करने का सामर्थ्य भी रखते हैं जिसमें सारे नाग आकर आहुति देते। तो हमने यह प्रेरणा ली कि कश्मीर घाटी को लहू लुहान करने वालों सुनो, एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। और आपने देखा कि पहली बार भारत ने इन 8 वर्षों में, अब नाउ द एरा ऑफ इंडिया जो सॉफ्ट स्टेट इज ओवर, अब वो दिन चले गए। तब जैसे मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ कहावत होती है अमामिया, वो दिन लद गए जब उस साल लल्लू खा फाकते उड़ाया करते थे, तो वो कबूतर उड़ने के दिन लद गए। और अब वो समय आ गया जब हम प्रबलता प्रखरता के साथ अपनी बात कहते हैं। और समय में कितना बदलाव आया, ये 8 वर्ष 75 वर्ष के पहले 8 वर्ष हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और इसके बावजूद क्या हुआ, ये पहला मौका है। आप याद करिए एक दौर था 1990 में, उस समय बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोला था, जगमोहन जी गवर्नर थे उनके लिए, कि ये जगमोहन को हटाओ नहीं तो इसको भगमोहन बना देंगे, और हमारी सरकार ने हटा लिया था। और एक ये दौर था जब पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में खड़े होकर इमरान खान ने कहा कि जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया उससे ज़्यादा खौफनाक कुछ करने जा रहे हैं। याद करिए कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का बयान नेशनल असेंबली में, आप सबको वो वीडियो क्लिपिंग याद होगी। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस कर दीजिए शाम तक, वरना 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये तो 1971 में कभी नहीं हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कहे कि उसके पैर कांप रहे थे, वो भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। उनका दिया बयान है, किसी पत्रकार का बयान नहीं है। यह परिवर्तन आया। फिर कुछ काम ऐसे जो इस अमृत काल को आगे वास्तविकता में चरितार्थ करेंगे, जो किसी ने सोचा नहीं। जैसे अगर भारत को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विकसित देश बनना है, तो पावर रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद। अब पावर में हमारा 44% पावर कोल से आता है। अब कोयले से अगर हम इतनी भारी मात्रा में एनर्जी लेंगे तो एक तो उससे पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, और हम कितनी ऊर्जा ले पाएंगे। तो इस पे सोचना चाहिए कि भगवान ने भारत को क्या दे रखा है। देखिए भारत के 2 छोरों को देखिए, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। पश्चिमी क्षेत्र का जो इलाका है जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, वैसे आजकल तो वहाँ पानी बहुत गिर रहा है, मगर सामान्यतः वहाँ पानी की कमी रहती है, मगर सूर्यदेव बहुत प्रचंड रूप में वहाँ पर अपना प्रबलता दिखाते हैं। और जो पूर्वी हिस्सा है जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, आसाम है, वहाँ नदियों के पाट बहुत चौड़े हैं, बहुत पानी गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है। अब देखिए उन्होंने सोचा कि इसको हम कैसे भारत की सामर्थ्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पूर्वी हिस्सा था वहाँ पे क्यों ना ड्रेजिंग करके उसमें गहराई करके इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन की शुरुआत की जाए। और जब जल मार्ग से परिवहन होता है तो सड़क और रेल मार्ग के मुकाबले 1/10 कॉस्ट आती है और 1/10 पोल्यूशन होता है। और आपने देखा कि 2019 में हल्दिया से लेके और वाराणसी तक पहली बार इनलैंड वाटरवेज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। और जिधर पानी कम गिरता है तो क्यों नहीं सोलर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए।